Bye. <laughs> जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज गोरक्षनाथ जी का शरीर बंधन मंत्र दे रहा हूं ऐसे तो आप लोग बहुत सारा मंत्र प्रयोग करते होंगे शरीर बंधन का दुर्गा सप्शती से हनुमान जी का लेकिन ये मंत्र काफी प्रभावी है इसका मैंने फर्स्ट हैंड एक अपने जीवन में एग्जाम्पल देखा था मेरे एक औघड़ गुरु थे तो उनको डॉक्टरों ने शराब पीना मना कर रखा था कि वो शराब नहीं पी सकते थे तो एक दिन उन्होंने बोला कि चेला मुझे शराब पिलाओ अब गुरु ने ऐसा बोल दिया तो फिर पिलाना ही पड़ेगा भले डॉक्टर ने मना किया हो हम लोग दोनों उनकी स्कूटी पर बैठ गए और वो बहुत दूर ले हमें चले गए और वहाँ पर उनको हमने मदिरापन करवाया अब गुरुजी ने ज़्यादा पी लिया ज़्यादा पी लिया या तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा भी पिया तो उनको बहुत ज़्यादा उसका असर हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अपनी गाड़ी चला के वापस जा पाऊँगा ठीक है तो क्या तुम चला लोगे मैंने बोला गुरु जी आज से छः सात साल पहले तक तो मैं बाइक चलाता था लेकिन अब छः सात साल बाद आज पहली बार होगा स्कूटी मैंने आज तक नहीं चलाया तो उन्होंने बोला कि चलो तो फिर गुरु जी का नाम लेते हैं और उसके बाद गाड़ी चलाते हैं तो वो मन ही मन एक मंत्र जपने लगे और मुझे बोला कि पूरी रा पूरे रास्ते ओम शिव गोरक्षम का जाप करते रहो तो वो अपने मन में एक मतलब धीरे धीरे एक मंत्र बुड़बड़ाते रहे और मैं पूरे रास्ते पूरे रास्ते जो है ओम शिव गोरक्षम का जाप करता रहा ठीक है तो हम पहुंच गए जब वहाँ पहुँचे और वो थोड़ा सा नॉर्मल हुए एक दो घंटे में तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया ये मंत्र ऐसे आपको गोरक्षनाथ जी की साधना विधान किताब में मिलता है लेकिन ये मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि इसका कहीं भी सिद्धि का विधान नहीं दिया हुआ जो उन्होंने सिद्धि विधान दिया वही आपको बता रहा हूँ और इस मंत्र को आप लोग सिद्ध कीजिए सिद्ध करने के बाद आपको अपने शरीर में तीन फूक मारना है जैसे कि हम लोग शरीर बंधन मंत्र में करते हैं लेकिन इसमें आपको अपने शरीर को स्पर्श करना है मतलब जिस तरीके से आप दुर्गा कवच में और दुर्गा का जब ओम एम भ्रिम गृम चामुंडा विचय जाप करते हैं चामुंडा का तो उसमें जैसे जिस तरीके से हाथ से लेफ्ट हैंड से राइट कंधे को स्पर्श करते हैं और राइट हैंड से लेफ्ट कंधे को स्पर्श करते हैं वैसे स्पर्श करते हुए इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद शरीर पे तीन बंधन मारना है तीन फूक मारना है उससे बंधन हो जाएगा जाप के लिए क्या करना है जाप के लिए तीन अगरबत्ती दक्षिण दिशा की ओर लेके बैठ जाना है सरसों का तेल ध्यान गोरक्षनाथ जी का ठीक है और इस मंत्र का 108 जाप करना है सात दिन आपको नवेद में दूध रोटी एक जगह और सिर्फ रोटी और गुड़ दूसरे जगह लगेगा मतलब दो थालियाँ लगेंगी एक में रोटी और गुड़ रहेगा और एक में रोटी और दूध रहेगा ये विधान आप लोग सात दिन करेंगे सातवें दिन ये मंत्र आपके प्रयोग के लिए तैयार हो जाएगा रोज रात में आप इस साधना को करेंगे ग्यारह बारह बजे के आसपास ग्यारह बजे के बाद करना चाहिए तीन बजे सुबह तक ठीक है इसको करने के बाद जो दूध रोटी और जो रोटी गुड़ आपने रखा उसको रात भर वहीं पे साधना स्थल पर छोड़ दें और ये देखें कि कोई उसको छुए ना ठीक है सुबह होते ही जो दूध रोटी है वो आपको किसी शवान को दे देना है और जो रोटी और गुड़ है वो किसी गाय को खिला देना है ये आपको सात दिन तक नित्य करना है मंत्र क्या है सुनिए मंत्र है ओम नमो धरती माता धरती पिता धरती धरे न धीर बाजे सिंघी बाजे तरतरी आए गोरक्षनाथ मीन का पुत्र मुंज का छड़ा लोहे का कड़ा हमारी पीठ पीछे यति हनुमान खड़ा शब्द साचा फूरो मंत्र ईश्वर वाचा ठीक है फिर से मंत्र सुनिए ओम नमो धरती माता धरती पिता धरती धरे न धीर बाजे सिंघी बाजे तरतरी आया गोरक्षनाथ मीन का पुत्र मूंज का छड़ा लोहे का कड़ा हमारी पीठ पीछे यति हनुमान खड़ा शब्द साचा फूरो मंत्र ईश्वर वाचा तो इसमें इस मंत्र में बड़ा सीधा एक हिंदी मान के चलो कि हिंदी भाषा में एक मंत्र लिखा गया है जिसमें धरती धरेना धीर मतलब धरती किसी के लिए इंतजार नहीं करती है बाजे सिंगी मतलब सिंगी जो बजती है तरतरी बजती है जब नाथ आते हैं तो आया गोरखनाथ ठीक है इसमें आया गोरखनाथ और आया गोरक्षनाथ दोनों बोलते हैं मीन का पुत्र मतलब मच्छेंद्रनाथ का पुत्र लोहे का कड़ा वो धारण करते थे हमारे पीठ पीछे यति हनुमान खड़ा मतलब हनुमान जी को बुलाया जा रहा है इस मंत्र में शब्द साचा पूरो मंत्र ईश्वरवाचा मतलब सब सा, सब सारे सच्चे हैं सारे सिद्ध हैं ये सिद्ध मंत्र है क्योंकि ईश्वर के मुख से निकला है ठीक है तो ओम नमो धरती माता धरती पिता धरती धरे नधीर बाजे सिंहि बाजे तरतरी आया गोरक्षनाथ मीन का पुत्र मुंज का छड़ा लोहे का कड़ा हमारे पीठ पीछे यति हनुमान खड़ा शब्द साचा पूरो मंत्र ईश्वरवाचा बहुत मतलब आप एक दिन जाप करोगे तो आपको ये मंत्र याद हो जाएगा और उसके बाद रोज सुबह जब आप कहीं निकलने लगो पूजा पाठ करने लगो तो बस अपने कंधों को अपने हाथ से स्पर्श करेंगे इस मंत्र को पढ़ेंगे तीन बार और तीन बार अपने शरीर पे फूंक मारेंगे तो इससे क्या है कि किसी भी तरीके का बला बाधा आपसे कोई भी तंत्र सट नहीं पाएगा इस मंत्र से जो लॉन्ग का मैंने उपाय बोला है कि एक लॉन्ग को सर पे रख के उसके बाद दूसरे को घुमा करके किसी की का झड़ी झाड़ा जार, करना है तो वो भी आप कर सकते हैं आज के लिए इतना ही जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ जाइए नंबर है नाइन ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आसन बंधन और जो भी आपको हमारे पास जाने से पहले मंत्रों की जानकारी और विधान की जानकारी होनी चाहिए तो आपको तो डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल में और फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च कीजिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट कॉल करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट से डॉट कॉम भगवान गोरखनाथ गुरु गोरखनाथ आप सभी की रक्षा करें से मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश, आदेश अलग